हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की चाय से। तो मैं उठी हूँ आज 7:30 बजे और लगी हूँ मम्मी और प्रीत के लिए चाय बनाने। तो यहाँ पे मैंने एक गिलास दूध लिया है और एक गिलास ही मैं पानी लूँगी। तो दूध और पानी को मिक्स कर कर मैं चाय बनाती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा चाय बन जाता है। तो बस चाय मैंने रख दिया है, चाय पत्ती वगैरह डालूँगी। और गाइस, यहाँ पे ना मैं चीनी और शक्कर का मैंने मिक्स रख रखा है करके। तो ये लिफाफा मैंने इसलिए रखा है ताकि कोई कीड़ी वगैरह अंदर ना आ जाए। तो इस तरह से कुछ भी जो कीड़ी वगैरह है ना, अंदर नहीं जाता है। उसके बाद मैं गर्म पानी कर रही हूँ अपने लिए, ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। थोड़ा सा उसमें आधा जो लेमन है वो मैं डालूँगी, इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है वेट लॉस में। काफ़ी ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था, आपको पता ही है। जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं, ब्लॉग हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी मेरे में चेंजेस आए हैं, काफ़ी मेरा जो एक्स्ट्रा फैट था वो रिड्यूस हो गया है। तो यहाँ पे मैंने जो पानी है गुरु की वो लगा दी है, गुरु शब्द लगा दिया है। तो थोड़ा सा फ़ोन वगैरह चेक कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपना जो है टी वगैरह मैंने पी लिया था। फिर ये ना कुछ कपड़े धो रखे थे, सूख गए थे, तो मैं इनको जोड़ के रखूँगी। तो बस गाइज, ऐसे ही मेरा रूटीन होता है डेली का, कोई ना कोई काम निकला ही रहता है हम औरतों को। तो बस ऐसे ही मेरा सारा दिन चला जाता है, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, बस ऐसे ही छोटे मोटे काम कुछ ना कुछ निकलते ही रहते हैं। तो आज मैं लेट गई इसलिए उठी थी क्योंकि आज प्रीत का छुट्टी था, प्रीत को स्कूल नहीं जाना था। वैसे तो मैं 6:30 बजे उठ जाती हूँ, तो आज मैं थोड़ा 1 घंटा लेट उठी हूँ क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं था। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं। ये कुछ कपड़े हैं गाइस जो मैं प्रेस के लिए रखूँगी इनको, तो ये मम्मी के कपड़े हैं, तो इनको प्रेस वाले भैया को देना है, तो इसलिए मैं इन्हें जोड़ नहीं रही हूँ क्योंकि इनको ना मैं गठड़ी में ऐसे ही बांध दूँगी। तो जो ये वाले कपड़े हैं इनको मैं जो है जोड़कर अलमीरा वगैरह में रख दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं बेडशीट वगैरह सही कर रही हूँ, उसके बाद के बाकी के काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दुपट्टा लिया है कॉटन का, इसमें सारे कपड़े बांध रही हूँ। तो जब भी हमारा टाइम लगेगा तो भैया को देखकर आ जाएंगे। उसके बाद ये दूसरे रूम में आ गई थी, बेडशीट्स वगैरह सब मैंने चेंज कर ली थी। तो बस ऐसा ही होता है डेली डेली का, डेली रूटीन मेरा बस ऐसे ही चला जाता है सारा दिन। उसके बाद प्रीत भी उठ गया था, तो मैंने ये चद्दर वगैरह रखी थी, इसको मैं जोड़ कर रख दूँगी अलमीरा में। फिर इसका बेडशीट भी मैं सही कर दूँगी अच्छे से। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है गाइस, बहुत ही ज़्यादा, एकदम से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। बस अभी मुझे सोच रही हूँ सर्विस करवा लूँ क्योंकि गर्मी अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तो देखते हैं आज या कल मैं भाई को बुलाकर सर्विस वगैरह कराती हूँ, इसलिए क्योंकि गर्मी है चलो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये कुछ बर्तन वगैरह रख रखे थे धोकर रात के, तो इनको मैं अभी क्योंकि ये सूख गए हैं तो इनका पानी वगैरह जो भी था एक्स्ट्रा निकल गया था, तो इनको मैं जो है लगा रही हूँ रैक पर ताकि किचन है जो काफ़ी मैसा लग रहा है ना, मैसी सा, वो अच्छे से नीट क्लीन लगे। तो जितने भी बर्तन होते हैं ना गाइस, सारे मैं जो है ना जोड़ने की आदत पड़ी है ना, कपड़े वगैरह की तरह बोल रही हूँ, सॉरी। तो बर्तनों को मैं टिका रही हूँ रैक पे, रैक बोलते हैं क्या बोलते हैं गाइस मुझे आप लोग बताना, मुझे पता नहीं है इतना इसे क्या बोलते हैं। तो बस वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ना ये स्टोर है गाइस। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो भी सामान है अलमीरा वगैरह है वो रख रखा है, तो वो पुरानी अलमीरा है इसलिए स्टोर में रख दी थी। ये जो है अलमीरा थोड़ा सा सही है, मतलब देखने में सही लगता है, तो इसलिए इसे यहाँ पे रख रखा है। कुछ इसके अंदर मिरर है, तो बस मिरर वगैरह देखना हम लोगों को ईजी हो जाता है, अदरवाइज़ हमें एक्स्ट्रा मिरर लेना पड़ता, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो है हो जाता है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा मिरर की। तो बस गाइज, ऐसे ही सब काम मैं कर लेती हूँ। तो मम्मी अभी सो रहे हैं, मम्मी को भी अभी मैं उठा लेती हूँ, फिर मैं जो है बस काम वगैरह अपने फटाफट से फिनिश कर लेती हूँ। तो ठीक है गाइज, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर ब्लॉग आपको पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर करना अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गाइज सपोर्ट करें। तो बस यही कहना था मुझे आप लोगों से, मैं बहुत बहुत अच्छे लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए ब्लॉग, जितना मुझे मुझसे होगा कोशिश करूँगी कि अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। बस जो भी मेरे साथ होता है रूटीन मेरा डेली का डेली होता है, वो उसमें आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो ये प्रीत है, उठ गया था, आपको पता ही है, ब्रश वगैरह करके आया था, तो वो दूसरे रूम में लेट गया था, तो अभी बस वो चाय वगैरह पिएगा। तो मैं ये किचन में आ गई थी झाड़ू वगैरह लगाने के लिए,
तो बस गाइज़ ये जो आप लिफाफे वगैरह देख रहे हो ना गाइज़, ये डस्टबिन रखा था यहाँ पे मैंने, डस्टबिन था, भैया आया था कूड़े वाला तो वो बाहर है, तो जब वो भर जाता है ना गाइज़ तो हम बाहर रख देते हैं, तो ये मैं लिफाफे में रख देती हूँ, जब फिर डेली का डेली कूड़ा होता है तो ऐसे ईजी हो जाता है कूड़ा, कूड़े वाले को कूड़ा देना। तो ये कुछ लिफाफे में रोटियाँ वगैरह रखी थी बची होती हैं, ये जो आती है ना गाय वगैरह हम उनको दे देते हैं, चल वो खा लेती हैं, इससे उनका पेट भर जाता है, और ये जो है अनाज है जो ना जो खाना है वो भी वेस्ट नहीं होता है। बस तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह फटाफट से लगा लेती हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है गाइस। तो झाड़ू वगैरह सब मैंने कर लिया है, अभी मैं जा रही हूँ प्लांट्स को पानी देने के लिए जो पौधे मैंने लगा रखे हैं। तो गाइज ये जो था ना प्लांट जिसको मैं पानी दे रही हूँ, ये मनी प्लांट बोलते हैं इसको, ये बहुत ही छोटू सा था, अब आप देख सकते हैं काफ़ी ये बड़ा हो गया है, तो मैं इसे डेली का डेली एक दिन छोड़ के ऐसे पानी दे देती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रीत ने लगाया था, इसको क्या बोलते हैं पुदीना। तो यहाँ पर गाइज मैं नहा नू कर आ गई थी अचानक से, घर में गेस्ट आ गए, तो आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रीत ने शूट किया है, तो उनके ये बच्चे थे, तो बस ये पेस्ट्री वगैरह खा रहे हैं बैठे हैं, तो प्रीत ने थोड़ा सा शूट कर लिया था, अचानक से आ गए गाइस, तो मैं आप देख ही सकते हैं शूट भी नहीं कर पाई अच्छे से और आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई, और अचानक से मन्नत को भी हम लोगों ने बुला लिया था। तो ये मन्नत है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, तो यहाँ पर मैं ना आलू वाले थे, आलू वाले पराठे बनेंगे आज, तो बस मैं वही आलू का जो है मिश्रण बना रही हूँ, तो मम्मी मेरे साथ हेल्प करा रही हैं, मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए थे, नहा धोकर मैं आ गई थी, तो मम्मी फटाफट जो है पराठे वगैरह बनाएंगे और मैं सबको फटाफट से खिला दूँगी। ये सुमन है, तो मन्नत है जो काफ़ी ज़्यादा शोर मचा रही है, बच्चों के साथ खेल रही है, काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही है, आज तो बहुत ही ज़्यादा रौनक हो गई थी घर में, तो मम्मी ने फटाफट से पराठे बना लिए थे, देसी घी के पराठे बने हैं दही और लस्सी के साथ, चटनी के साथ मैं सर्व करूँगी। तो बस गाइज़ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लोग बातें कर रहे हैं, गेस्ट हैं जो जा चुके हैं, एंड मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि हम लोग बैठे थे, काफ़ी बातें वगैरह की, और मन्नत भी आई हुई थी, आप लोगों ने देख ही लिया है, एंड घर की हालत देख लीजिए बच्चों ने क्या की है, मैं एक मिनट आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस कितना ज़्यादा मैस फैल गया है, आपने देखा था मैंने सुबह कितना घर साफ़ किया था, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा मैस फैला दिया है, काफ़ी ज़्यादा फूल ही फूल कर दिए हैं हर जगह पर। तो चलो ठीक है गाइस, मैं फटाफट से सारा जो भी है मैस फैल रखा है उसे फटाफट से समेट लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी मैं जस्ट थोड़ा सा फ्रेश होके हटी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने टच अप किया है क्योंकि थोड़ा सा मार्केट जाना है सब्जी वगैरह लेने के लिए। तो प्रीत है जो अपनी स्टडी कर रहा है, तो मैं बैठी थी इसके पास, मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग ना प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोग मेरे साथ जुड़ सके, मेरी फैमिली अच्छी हो सके, मेरी फैमिली बड़ी हो जाए, हर किसी को होता है, क्योंकि गाइस देखो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ब्लॉग को बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा दिन हम उसे शूट करते हैं, फिर एडिटिंग होती है, फिर सब काम होते हैं, तो हमें घर का भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है, हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है, कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और जितने भी लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। गाइस मुझे सपोर्ट करें, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि जल्दी से मैं अपनी फैमिली